गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी हैव टू लर्न इंग्लिश इन क्लास 5. सो किड्स, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 134 पे ये मैंने वर्ड्स करवा दिए थे आपको, ये राइमिंग वर्ड्स है वो भी लिखवा दिए थे, और ये स्टोरी भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी. आई होप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टोरी रीड की होगी और समझ भी ली होंगी. ओके, तो आज जो है हम हमारा न्यू टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 7 में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 135 से. तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. व्हाट इज़ अवर न्यू टॉपिक? द लिटिल बुली. बुली का मतलब क्या है, किसी को पता है? बुली किसे बोलते हैं? बुली का मतलब है किसी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, दैट बुली समवन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही स्ट्रांग है, हट्टा कट्टा है, तो वो किसी ऐसे इंसान को परेशान करता है जो उससे कमज़ोर है. तो उसे परेशान करना मतलब इट इज़ कॉल्ड बुली. और हमारा चैप्टर का टाइटल है द लिटिल बुली, यानी लिटिल यानी कि थोड़ा सा, तो किसी को थोड़ा सा परेशान करना. ओके, तो ये चैप्टर का हमारा टाइटल है. तो चलो देखते हैं कि कौन किसको बुली करता है, कौन किसको परेशान करता है. डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीसीज द अदर और पुशेज देम अराउंड? डू यू नो, क्या आप जानते हो ऑफ एनी चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि बच्चा, कोई भी ऐसे बच्चे को, वो टीस करना मतलब किसी को परेशान करना, और पुशिज देम अराउंड अदरवाइज उसे धक्का दे रहा है ऐसे बच्चे को, आप जानते हो? व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड, तो ऐसे बच्चे को आप क्या बुलाओगे? कॉल मतलब बुलाना, तो ऐसे बच्चे को आप क्या बुलाओगे? रीड द स्टोरी, हमें जो स्टोरी दी है वो आपको रीड करनी है. एंड सी हाउ हरी, और आपको देखना है कि हरी जो है वो कैसे अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन, कि अ लिटिल बॉय जो हरी है, छोटा सा बच्चा, तो वो कैसे दूसरे बच्चों को ट्रबल करता है, यानी कि परेशान करता है, यानी कि बुली करता है. ओके, तो लिटिल बुली यानी कि ये जो हरी के बारे में चैप्टर है, तो वो दूसरे पर्सन को क्या करता है? बुली करता है, परेशान करता है. तो उसके बारे में हमें ये चैप्टर आज रीड करना है. तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, बहुत लंबे टाइम के पहले नहीं है, देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था हरी. उसे क्या बुलाते थे? हरी बुलाते थे. ओके, स्मॉल स्मॉल बॉय यानी कि छोटा सा बच्चा. ऑल्दो ही वॉजंट वेरी बिग, अरे वो तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ही वॉज स्ट्रांग, लेकिन वो बहुत ही कैसा था? स्ट्रांग था, स्ट्रांग बॉय था. एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, और उसे क्या करना पसंद था? और टीज, टीज मतलब परेशान करना, किसको? ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, सारे बच्चों, बॉयज और गर्ल्स को परेशान करना उसे बहुत अच्छा लगता था. देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख ही सकते हो कि ये हरी जो है इस लड़की को, देखो यहाँ पे चिमटा भर रहा है, कैसे परेशान कर रहा है, और ये दोनों देखो उसे डरे हुए हैं, है ना. सो ही लव टू द टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, उसे सारे बॉयज और गर्ल्स को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था. वो वेंट टू स्कूल विद हिम, किस कौन जाएगा उसके साथ स्कूल? वॉट ही लव्ड टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, पिंच मतलब पिंच करना मतलब ये जो है वो किसी को चिमटा भरना यानी कि चिमटा काटना, तो उसे क्या पसंद था? तो मोस्ट वॉज अ पिंच, यानी कि लोगों को क्या करता था, वो पिंच करते रहता था. ही कुड मेक अ बिग ब्रुइस अपीयर इन हाफ अ सेकेंड, और वो क्या करता था, आधे ही सेकेंड में वो अपीयर करना मतलब दिखा देना, क्या दिखाता, क्या दिखा देता था? बिग ब्रुइस, ब्रुइस का मतलब है कि हर्ट, अगर किसी को हम हर्ट करते हैं तो उस स्किन पे क्या हो जाता है, रेड मार्क बन जाता है. अगर किसी ने आपको चिमटी जोर से काटी है तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो जो स्किन है आपकी, वो जो है वो क्या हो जाएगी,
थोड़ी सी अपर हो जाएगी और वो फूल जाएगी वहाँ पे और रेड मार्क भी बन जाएगा। ओके, तो वो क्या करता था, इतनी ज़ोर से चिमटे काटता था कि वहाँ जहाँ पे चिमटी काटी है वहाँ पे बिग ब्रुइज बना देता था, यानी कि वहाँ पे पूरा स्वेलो कर देता, उस स्किन को जो है वो उपसा देता था और वहाँ पे पूरा रेड मार्क बना देता था। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज अ प्रिकिंग पीपल विथ अ पिन। दूसरी उसकी ट्रिक थी, क्या थी ट्रिक यानी कि तरीका, तो अनदर ट्रिक यानी कि दूसरा, जो अनदर यानी कि दूसरा, दूसरा तरीका क्या था, ही प्लेड वॉज अ प्रिकिंग पीपल विथ अ पिन। तो वो कैसे लोगों के साथ प्ले करता था कि पिन, पिन यानी कि मम्मी जो सेफ्टी पिन लगाती है वो भी, और या फिर पिन यानी कि हम वो छोटी सी निडल लाइक गुजराती में उसे बोलते हैं टाकणी, ओके, तो वैसे भी पिन आती है, तो उसे वो क्या करता था, लोगों को उसे भी घुसा घुसा के परेशान करता था। सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो आप भी अभी गैस, गैस करना मतलब आप सोच सकते हो अपने मन में, हाउ ऑल द चिल्ड्रन, कि कैसे सारे बच्चे हेटेड हिम, नापसंद करते थे। हेट करना मतलब किसी को नापसंद करना, तो उसे नापसंद करते थे। क्यों नापसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ही शैतानी बच्चा था और सबको क्या करता रहता था, हमेशा परेशान करता रहता था। आपने देखा चैप्टर में कि ये जो बॉय है वो कैसा है, स्ट्रांग है, उसे सबको टीज करना बहुत ही पसंद है, और वो क्या करता था, सबको चिमटी काटता रहता था, और उस इतनी ज़ोर से चिमटी काटता था कि उसके ऊपर निशान बना देता था चिमटी काटने का। और दूसरा तरीका भी क्या था, वो सबके सबको पीन पीन जो है वो घुसा घुसा के परेशान करता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब बच्चा जो है वो किसी को पसंद नहीं आता है ना। तो आई होप मेरे स्टूडेंट्स में से तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ऐसे सारी हरकतें करता होगा, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। तो किसी बच्चे को ऐसी हरकत नहीं करनी है ताकि आप किसी को पसंद ना आओ। आपने देखा चैप्टर में कि ये जो लड़का है वो किस तरह से सारे लोगों को परेशान करता रहता है, और जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, उसे ना पसंद करते हैं, किसी को उसे पसंद नहीं करता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, कि वो लोग उसे पिंच करने मतलब ये उसे पिंच कर रहा है तो ये लोग भी उसे वापस पिंच करने की ट्राई करते हैं। बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज, लेकिन ये अच्छा नहीं होता बिकॉज, क्योंकि ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो हमेशा ज़ोर से चिमटे काटता था। एंड दे डिडंट लाइक टेलिंग दैट टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, क्योंकि वो जो बच्चे थे वो अपने टीचर को भी नहीं बता पाते थे, बिकॉज दे वॉज टेलिंग टेल्स, टेल्स मतलब स्टोरीज, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये सब क्या है, स्टोरीज बना रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जो है वो अपने टीचर्स को भी नहीं बता सकते हैं कि ये लड़का हमें परेशान करता है, वैसा सब कुछ। ओके, तो ये इतनी ज़ोर से चिमटी काटता था कि ये बच्चे जो है उसे वापस चिमटी उसी तरह से काट भी नहीं सकते थे। और अगर ये बच्चे टीचर्स को बताने चाहे तो उन लोगों को भी लगता था कि ये जो है वो क्या है, स्टोरीज बना रहे हैं, है ना। सो किड्स, आज के लिए बस यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो 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 वर्ड पे मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे वर्ड्स जो है वो आपको अच्छे से लिख लेने हैं 3-3 times और लर्न भी कर लेने हैं और उसके मीनिंग भी अच्छे से सीख लेने हैं। अगर आपको ये वीडियो में ना समझ आया हो तो दूसरी बार वीडियो देख के अच्छे से चैप्टर समझ लेना। ओके, थैंक यू।